उत्तराखंड हाई कोर्ट ने ऋषिकेश स्थित IDPL के मामले में राज्य सरकार की विशेष अपील पर सुनवाई की है, जिसमें प्रदेश की चीफ सेक्रेटरी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश हुई। बता दें कि मामले की सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने अचानक हाईकोर्ट की एक बेंच को IDPL में शिफ्ट करने का आदेश जारी कर दिया है। मामले के अनुसार हरिद्वार जिले में ऋषिकेश स्थित इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड की कुछ याचिकाओं पर सुनवाई चल रही थी और इस याचिका में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी भी ऑनलाइन माध्यम से जुड़ी हुई थी। सुनवाई के बाद मुख्य न्यायाधीश ने हाईकोर्ट का गोलापार शिफ्ट करने को गलत कदम बताते हुए कहा कि इसके लिए उपयुक्त स्थल ऋषिकेश में IDPL की 850 एकड़ भूमि ठीक है। वहीं न्यायालय के इस फैसले से अधिवक्ताओं के बीच खलबली मच गई और सभी बार सभागार में एकत्रित हुए और अपने अपने विचार रखे। नैनीताल से तेज सिंह की रिपोर्ट। हाईकोर्ट में बेंच शिफ्टिंग की बात आई थी, लेकिन उस पर अभी हमारी मीटिंग हुई, बार की मीटिंग हुई। बार की मीटिंग से फिर हमने प्रपोजल माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय को दिया था। उस पर अब ये हुआ है कि बाहर से माननीय मुख्य न्यायाधीश ने अभी हमसे प्रपोजल मांगा है, तो हम उस पर हम काम करेंगे। प्रपोजल ये कि अगर कोई सुटेबल जगह आपको लगती है तो उसके लिए प्रपोजल मांगा है। अभी हम उस पर अभी हम जनरल हाउस बुला करके उस पर बातचीत करके फिर उचित निर्णय लेकर के माननीय न्यायालय का।